हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू द करियर एकेडमी। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 और 2018 का एग्ज़ाम जो है एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा कि ये रहस्य आखिर कब सुलझेगा। आपको मैंने बताया था कि देखिए, यहाँ पे अभी आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है इसका, और इसी सिलेबस के अनुसार इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन एग्ज़ाम कब होगा, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और ज़रूरी सूचना आपको इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से चैनल देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं उनको बता दें कि उदय करियर अकेडमी का अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप उसको गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी का जो जेई एग्ज़ाम है इसके लिए हम यहाँ पर इसके लिए टेस्ट सीरीज, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज ला रहे हैं आपके लिए। और वो टेस्ट सीरीज अभी बन रही है, टाइपिंग का काम चल रहा है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। हालांकि हमने नॉन टेक की तैयारी के लिए फ्री यहां पे जो है टेस्ट सीरीज शुरू कर दी, जिसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस का डेली एक सेट मिलता है। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अभी डाउनलोड कीजिए, नॉन टेक की तैयारी शुरू कर दीजिए। टेक्निकल की टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के बारे में देखिए, अभी आप लोग आयोग पे गए भी थे लेकिन कुछ निष्कर्ष अभी इसका निकला नहीं है। और बीच में सोशल मीडिया पर कुछ लोग न्यूज़ फैला रहे हैं कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, उस डेट को एग्ज़ाम होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, देखिए इसमें इस तरह की अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा और बहुत ही कम समय है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम कब तक होगा, आयोग में इसके लिए काम भी चल रहा है। और एग्ज़ाम जो है आपका 40 से 45 दिन से ज़्यादा समय आपको नहीं देने वाला है आयोग, और इसी बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि नवंबर 15 से लेकर नवंबर 25 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और तब तक आपको तैयार रहना है, सभी तरह से पूरी तैयारी करनी है। और एक और ज़रूरी सूचना है कि जैसे कि आपको ये भी मालूम है कि इसमें EWS के कोटे का रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। EWS को रिजर्वेशन इसमें मिलना है, लेकिन EWS का फॉर्म भरते समय कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए इसका आवेदन जो है वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है उसको दोबारा फॉर्म इसका ओपन होगा। और जो छात्र फॉर्म भर चुके हैं केवल वही स्टूडेंट वहाँ पर दोबारा जाके अपने EWS के का ऑप्शन देंगे, यस या नो लिखेंगे EWS के सामने, और तब आयोग को पता चल जाएगा कि EWS के कितने कैंडिडेट हैं और किनको EWS का रिजर्वेशन मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, उसके बाद ही इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये जो एक्टिविटी होनी है ये बहुत ही जल्द आपकी होनी है, और अगले एक हफ्ते में आपको ये एक्टिविटी हो जाएगी। उसके लिए आपका जो है आयोग वेबसाइट इसकी ओपन कर देगा। तो दोस्तों, ये दो बड़ी अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। बने रहे आप उदय करियर एकेडमी के साथ। धन्यवाद।